हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस स्टॉक को आज हम एनालाइज करने वाले हैं, इस स्टॉक का नाम है एक्साइड इंडस्ट्री। इस स्टॉक में आज हमें इसके प्रीवियस 52 वीक्स के हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसके बाद स्टॉक में जैसे 5% से ज्यादा रैली देखने को मिल रही है। और जिस लेवल पर हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिला, 430 रुपीज के लेवल पर देखने को मिला था, जिसके बाद स्टॉक में हमें फिर से स्टॉक के प्रीवियस 52 वीक्स के हाई का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक के चार्ट में देखेंगे, स्टॉक ने मल्टी टाइम इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन गाइस हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला और गाइस हमें गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन फाइनली गाइस आज हमें इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिल चुका। अब इसके बाद जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे 600 रुपीज ज्यादा देखने को मिलने वाली, जिसको आज की वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइस बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को वन डे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें और इसमें सबसे पहले अपने टारगेट्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे स्टॉक के प्रीवियस सपोर्ट से लेकर ऊपर में इसके अब तक रेजिस्टेंस लेवल तक देखते हैं, समय जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने दिनों 22% से ज्यादा टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक गाइस इस हाई से लेकर ऊपर में लॉन्ग फ्यूचर टूल की मदद से अपने टारगेट्स देखे तो गाइस हमें जो 22% टारगेट्स देखने को मिलेंगे 640 रुपीज तक के लिए आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक अगर 520 के ऊपर 1 से 2 दिनों के बीच में सस्टेन नहीं कर पाता तो गाइस हमें गिरावट देखने को मिलेगी स्टॉक में, और इस रेंज के बीच में स्टॉक जो है कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसमें जो गाइस हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस काफी लॉन्ग आ रहा है गाइस, 450 रुपीज का लेवल है जो कि गाइस 14% के करीब आ रहा है। इसलिए गाइस हम थोड़ा स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें जो गाइस हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 480 रुपीज का लेवल रहेगा जो कि गैस 8% के करीब बैठ रहा है। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन गैस अगर स्टॉक 520 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो गैस हमें 640 रुपीज तक के लेवल भी जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। इस स्टॉक में गैस छोटा सा एसेट लगाकर 480 रुपीज के लेवल का स्टॉक में आने वाले दिनों में 640 रुपीज के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाई सकते। और स्टॉक में गैस जो हमारी एनालिसिस है आने वाले 1 मंथ से लेकर 3 मंथ के बीच में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी पसंद आई होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।